आपको आपकी आगे की लाइफ के लिए अनंत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। वास्तव में आपसे जो आदर सम्मान स्नेह मिला है वह हमें हमेशा स्मरण रहेगा। पर अब आप हमसे विदा लेते हुए अपनी शिक्षा के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। आप बस इसी तरह से मेहनत करते जाएं, आगे अनेक सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। पर ध्यान देना कि यह संसार सुख दुख का मेला है। मेरा कहने का अर्थ है कि आपको जीवन में कई बार कई तरह की सफलताएं भी मिलेगी, तो कई बार आपका सामना असफलता से भी हो सकता है। और अक्सर कुछ छात्र छात्राएं असफलता आने पर पूरी तरह से टूट जाते हैं और असफलता का कारण अपने आप को बताते हैं, और कुछ छात्रा तो असफलता आने पर अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। पर नियम ये कहता है कि असफलता को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे हम सफलता को स्वीकार करते हैं। असफलता यदि आपके लिए एक संकट है तो ध्यान देना कि आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कल आप किसी बड़े स्कूल में पढ़ोगे, फिर किसी कॉलेज में पढ़ोगे, तो इसी तरह कभी संकट में भी पढ़ोगे। लेकिन संकट जो आपको सिखाएगा वो कोई आपको स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। कहने का अर्थ यही है कि आदमी असफलता में भी बहुत कुछ सीख सकता है। कहते हैं कि सफलता केवल आपका परिचय दुनिया से करा सकती है, पर असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करा देती है। असफलता को मार्ग का एक मोड़ समझना चाहिए, ना कि यात्रा की समाप्ति। असफलता आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन नहीं करना। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपने रुचि के अनुसार विषय चयन करना होता है, पर अक्सर कई स्टूडेंट्स अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन नहीं करते हैं। वे विषय का चयन या तो किसी के कहने पर करते हैं या फिर किसी के दबाव में आकर ऐसे विषय का चयन कर लेते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती है, और फिर रिजल्ट ये रहता है कि या तो स्टूडेंट को नंबर कम आते हैं या स्टूडेंट असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। मानो कोई बहुत ही सुंदर पक्षियों का स्कूल है जिसमें कोयल, मोर, तितली, कौवा, मैना कई पक्षी हैं। अब यदि इनका टेस्ट लिया जाए और कोयल से कहा जाए कि तुम्हें अब कोयल की तरह मीठी आवाज़ में बोलना है, तो यह असंभव है, क्योंकि कौवा कोयल की तरह दिखता है केवल, उसके जैसा बोल नहीं सकता। दोनों के बोलने का स्वभाव अलग अलग होता है। यदि इसी तरह हम तितली से कह दें कि तुम्हें अन्य पक्षियों की तरह पानी में डुबकी लगा के आना है, तो वह तो बेचारी मरते मरते बचेगी, क्योंकि वह अन्य पक्षियों की तरह उड़ सकती है लेकिन अन्य पक्षियों की तरह पानी में डुबकी नहीं लगा सकती, ये उसके स्वभाव से परे है। इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी और अपने रुचि के अनुसार ही सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। कोई भी काम यदि हम रुचि के साथ करते हैं तो वह हमें सफलता तक ले ही जाती है। पुनः आपको अपने शिक्षा सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जब भी आपको किसी प्रकार की मार्गदर्शन की आवश्यकता लगे तो यह स्कूल हमेशा आपके साथ है। आपकी वजह से ही स्कूल इस ऊंचाइयों को छू पा रहा है। आप अपने जीवन में इस तरह मेहनत करना कि जब भी हम आपको देखें तो गर्व से कह सकें कि इस बंदे को हमने पढ़ाया है। थैंक यू।